फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल rjjasnoor। सो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं पता है, बट वी टेंड टू इग्नोर इट, जो हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी इज नॉट वेरी सिवियर एवरी टाइम, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपके पास उसका सोल्यूशन इमिजिएट जो होता है दैट यू शुड हैव। And I have tried to cover all the things that one should have in the first aid box. एक दो चीजें मेरे पास इसमें नहीं है, which I'll be telling you verbally and you can get them for yourself. And एक basic जो box होता है उससे थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे कि इसमें medicines ज्यादा है, but I felt कि आजकल ये problems बहुत common है और इनका हम लोग को medicines पहले से रखना चाहिए। Of course, these are just precautions, जरूरी नहीं आपके साथ ऐसा, and we डू नॉट होप कि ऐसा हो, बट स्टिल कीप द मेडिसिन एनी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम, आप उसको उठा सकते हैं, जस्ट टेक इट। एंड आई हैव जस्ट स्टोर देम इन जस्ट सिंपल प्लास्टिक बॉक्स। इसको फर्स्ट एड बॉक्स में कन्वर्ट करना है सिंपली ईजी, आपको एक प्लस का साइन बनाना है, यू कैन यूज रेड कलर, रेड टेप और एनी थिंग, और यू कैन कवर एनी काइंड ऑफ शू बॉक्स विद व्हाइट पेपर और उसके ऊपर आप रेड टेप से या फिर रेड कलर से प्लस का साइन बना लीजिए। तो दैट इज ऑल्सो अगेन एक आपको लगता है, हाँ एक्चुअल फील आता है, दैट इज द फर्स्ट एड बॉक्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या है, पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज देख सकें, एंड क्लिक ऑन द बेल बटन कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। लाइक माई वीडियो अगर आपको पसंद आती है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अब ये शेयर करना तो बनता है बिकॉज फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। सो लेट्स स्टार्ट। इस बॉक्स के अंदर मैंने सब कुछ स्टोर कर रखा है, सो व्हाट आई विल डू इज एज आई विल शो यू, I'll start keeping the things. अभी I have just removed everything from this outside. So एक चीज which I have added in this, which I usually do not see in any of the first aid box, that is this clove oil. And I'll try to mention the prices also. वैसे medicines के prices I think जो हम लोग basic लेते हैं उनका पता होता है। This is 2 ml of oil for ₹30. अब clove oil की आपको क्यों जरूरत है? Tooth pain is something जो सबके होता है, but we tend to ignore it. मतलब इग्नोरेंस से ये नहीं कि हम उसको इग्नोर कर सकते, पेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट उसका प्रिकॉशन क्या ले, वी हैव टू रश टू डेंटिस्ट। बिल्कुल अगर आपको होता है यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट, बट अगर कभी लेट नाइट हो गया, क्लोव ऑयल इज वेरी गुड फॉर दैट। आप उसको जस्ट थोड़ा सा कॉटन पे लगाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू कीप इट, सो इट मेक्स सूथ्स डाउन योर पेन। सो यू शुड ऑलवेज हैव क्लोव ऑयल इन योर फर्स्ट एड किट। एंड इसी से हमें कॉटन, ऑफकोर्स कॉटन इज अ मस्ट इन योर फर्स्ट एड बॉक्स, सो आई एम कीपिंग द कॉटन इन साइड दैट। देन अगर आपके किसी तरह की ऑफकोर्स चोट लग जाती है समथिंग, देन यू शुड हैव डिटॉल और सेवलॉन। सेवलॉन में थोड़ा सा बिकॉज उसका जलन नहीं होती है तो यू कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ डिटॉल, बट दिस इज अगेन अ मस्ट फॉर योर फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद में व्हाट एल्स वी हैव इज यू शुड हैव एनी काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम, लाइक आई हैव दिस बोरोलिन एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम, एंड दिस कॉस्ट अराउंड, इट्स वेरी cheap, let me check, it's ₹34 का ये है, and this is very good। ये winters में वैसे भी आपके पास होना चाहिए, मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बना रखा है कि बोरोलिन के यूजेस क्या है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आए जो सजेस्टेड बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन बार में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। सो इट्स वेरी यूजफुल, यू शुड ऑलवेज हैव इट। छोटे मोटे कट इससे बहुत ईजिली ठीक हो जाते हैं, रैशेज बर्न्स, सो यू मस्ट हैव इट। आप बर्नॉल भी अपने पास रख सकते हैं इसके अंदर इन योर फर्स्ट एड बॉक्स, बिकॉज दैट इज वेरी गुड फॉर बर्न्स, अगर बाई चांस थोड़ा बहुत भी कभी जल गया है, या फिर आप उसकी जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी प्रोमिनेंट। थोड़ा सा भी हम लोग उट पटांग खा लेते हैं या फिर वी हैव ईटन समथिंग दैट इज नॉट मेड एट होम, एसिडिटी हो जाती है। सो वन इज इनो, दीज आर सैशेज ऑफ इनो, एंड दिस इज 6 sachets, वन ईच ऑफ 5 grams, and this cost ₹42। अभी आप जितना भी सामान देखने वाले हैं दिस कॉस्टेड मी अराउंड ₹500, लेकिन इसमें सब कुछ कवर हो गया दैट यू सी, सो यू मस्ट बाय ऑल दिस एंड कीप इट। सो इनो है हमारे पास, इनो के अलावा वी हैव डाइजीन, डाइजीन इज अगेन फॉर द सेम पर्पज, अगर आपका कुछ डाइजेशन वाला इशू हो चुका है देन यू कैन यूज दिस। उसके अलावा एक बहुत मेजर, दिस माइट नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट टू यू, बट मी पर्सनली एंड माई फैमिली फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, सो दिस इज अ कैप्सूल नोन एज ओमेज। ये बहुत अच्छा होता है जब आपके एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो यू कैन जस्ट टेक इट एंड इट रिलीव्स इट डाउन वेरी फास्ट एंड क्विकली, एंड दिस कॉस्ट ₹50 फॉर 20 tablets, सो अगेन इट्स वेरी चीपली प्राइस एंड वेरी इफेक्टिव, दैट इज वाई आई यूज। मेडिसिन में हम लोग प्राइसिंग से ज्यादा ये देखते हैं कि इफेक्टिव कौन सी है,
So you can even use pantocid instead of this, but you can consult a doctor. All these medicines are what I personally use. Please do not just trust me blindly. Go and check out with your doctor, because at times medicines can even react to different bodies. So that is a disclaimer. So this is again one thing. उसके बाद में a painkiller is a must, because pain कभी भी कहीं भी हो सकता है. I do not use particularly the Disprin and Saridol for my head pain. If you use, आप उसको रख सकते हैं. But what I often use is Sumo. This is a paracetamol basically, and this cost 94 rupees for this whole strip. So कोई भी जो आप लेते हैं वो आप अपने पास painkiller रखिए. Painkiller is a must for that. Then आपको कभी भी हो सकता है गला खराब हो जाए, तो instead of directly going for a medicine, you may want to take something like the Strepsils, या फिर आप Vicks ले सकते हैं, whatever is your preference. But I'm just telling you the type. You must have इस तरह के कुछ tablets आपके पास होने चाहिए. Then आपके पास क्रोसिन I think is a must, because ये pain में भी help करता है, plus for जो minor fever, आपको थोड़ा बहुत fever आ गया तो आप उसको इंस्टेंटली लेंगे, एंड 4-5 आवर्स के लिए तो फुल ऑन एनर्जी दे ही देती है. तो क्रोसिन शुड बी देयर इनटू योर बॉक्स. देन वी हैव इज सम ऑफ दीज हाजमोलास. दिस इज अगेन फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन. खाना कभी नहीं डाइजेस्ट हो रहा, यू कैन जस्ट हैव इट आफ्टर योर फूड. सो दिस आफ्टर दिस आई हैव अ मेडिसिन दैट इज एन एंटी एलर्जिक. आई थिंक ये एक मस्ट है आजकल के टाइम में, बिकॉज इतना पोल्यूशन रहता है एंड द एनवायरमेंट अराउंड अस इज नॉट एट ऑल क्लीन, एंड छोटी मोटी इवन स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, उस केस में सिट्रिजिन इज अ मस्ट. आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं विच सॉल्ट सूट्स यू. इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, अट्रेक्स आता है एंड डिफरेंट. बट आई वुड लाइक टू टेल, एविल एक बहुत ही वाइड स्प्रेड मेडिसिन है, बट डू नॉट टेक इट, बिकॉज एविल का आप रिसर्च कर सकते हैं ऑन इंटरनेट. इट्स बैन इन अदर कंट्रीज. It's not good for your health. वो कुछ किसी तरह की reactions देती है, which is not good for your body. So do not take Avil. उसके अलावा आप अपने doctor से consult करके ले सकते हैं. There is another salt which is Combiflam, जो एक medicine आती है, that is too famous. मतलब हर कोई उसको लेता है यहाँ पे. I've seen people using it, but उसके बहुत ज़्यादा बुरे reactions हैं. We have been getting viral messages on WhatsApp, and not only WhatsApp, you can directly go on internet and check. They are not good for yourself. So do not take Avil. Do not take this. Combiflam, जो भी banned medicines है, of course we should avoid. Medicines avoid करनी चाहिए, but there are times that you cannot avoid medicines at all. तो उसमें आप वो medicines लीजिए जो आपके ऊपर react नहीं करती हैं. So anti allergic होना एक बहुत जरूरी है. उसके बाद में मेरे पास इसके अंदर 4-4 tablets, अगर by chance digestion का बहुत major problem हो चुका है. This is Sporolac. Sporolac एक बहुत basic medicine है, हम छोटे बच्चे से लेके बड़े किसी को भी देते हैं. फॉर लूज मोशंस, अगर आपको मोशंस का प्रॉब्लम हो गया, लूज मोशन हो चुके हैं, तो स्पोरोलैक रियली हेल्प्स इन दैट. एंड इसके बहुत सारे वेरियंट स्पोरोलैक डीएस एंड ऑल, वो थोड़ा सा सिवियर केसेस के लिए आते हैं, दैट यू डू नॉट नीड. सिंपल स्पोरोलैक वुड वर्क. देन दिस इज वॉमिट स्टॉप. इसकी भी फोर, अगेन दिस इज फॉर वॉमिटिंग. अगर वॉमिट स्टॉप नेम सजेस्ट कर रहा है, अगर वॉमिट्स हो रही है, आई थिंक ये भी बहुत बेसिक. अगर कई बार रात को जैसे खाने खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, रात को 2-3 बजे कुछ पेट में दर्द हुआ, तो यू कैन ट्राई आउट दीज थिंग्स बिफोर रियली रशिंग टू अ डॉक्टर. इट्स नॉट दैट सिवियर. सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग. देन वॉट इज इट, दिस इज बी कॉम्प्लेक्स, वीकासूल जिसको हम लोग बोलते हैं. एंड आई फील ये भी एक मस्ट है. वीकासूल मस्ट क्यों है, बिकॉज जितने भी एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं, उनको अगर हम लोग अकेले लेंगे, दे रियली रिएक्ट टू अवर बॉडी, एंड उसमें कुछ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं. एंड यू ऑल नो, जब भी हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो साथ में वी टेक अ बी कॉम्प्लेक्स, वी टेक सम काइंड ऑफ दिस मल्टी न्यूट्रिएंट और समथिंग. तो ये होना ही चाहिए, बिकॉज मेडिसिन आपके पास कभी भी अगर आप ला रहे हैं, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर बार एक बी कॉम्प्लेक्स लेके आए साथ में. जस्ट कीप अ पैक. एंड दिस कॉस्ट, दिस इज फॉर 20 कैप्सूल, इट कॉस्ट ₹31. So you can keep a whole pack. I've just kept it in this. Then the next thing is bandages. Minor major cuts के लिए I think, बहुत major के लिए नहीं, but ठीक है, छोटे मोटे हो जाते हैं, उनके लिए bandage is fine. This is a waterproof bandage or a regular one. This is regular one. You can keep waterproof also. आप इसके अंदर shapes भी रख सकते हैं, like इसमें जो circle आता है या square आता है, different versions जो आपको help करेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड आप उनको लगा सकते हैं. अब इसके अलावा जो 2-3 चीजें आई थिंक इसके अंदर होनी चाहिए, जो अभी इसमें मैंने रखी नहीं है, आई हैव इट एट माई होम बट दे आर नॉट इन द बॉक्स राइट नाउ. वन इज अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इसलिए बिकॉज फीवर है या नहीं है, कितना है, वो हम इजिली चेक कर सकते हैं. हम लोग को
वो टाइम चले गए जब मर्करी थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज करते थे. डिजिटल थर्मोमीटर आप लेके आइए एंड जस्ट चेक एंड गो फॉर द मेडिकेशन अकॉर्डिंगली. सो थर्मोमीटर इज अ मस्ट आई थिंक इन दिस. उसके अलावा अ क्रेप बैंडेज विच इज अगेन अ मस्ट बिकॉज अगर छोटा मोटा मसल पेन है, कोई पुल हो गया है समथिंग, तो यू कैन इजिली यूज अ क्रेप बैंडेज एंड योर वर्क इज सॉर्टेड. आपका काम हो जाता है उसमें. तो आई थिंक दैट इज अगेन अ मस्ट. एंड विद दैट आई फील हम लोगों ने काफी हद तक हर चीज इसके अंदर ले ली है. आप चाहे तो व्हाइट कॉज या मतलब व्हाइट जो बैंडेज होती है पट्टी, उसको भी रख सकते हैं. अगर लगता है हम लोग के यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बच्चा नहीं है, छोटा है, इतना लगने वगने के चांसेस नहीं होते. आई स्टिल फील आई शुड हैव वन बट राइट नाउ आई डू नॉट हैव इट. आई मे बी बाय आफ्टर दिस वीडियो एंड कीप इट इन माय बॉक्स. सो ये बहुत ही बेसिक सब चीजें थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की. ये हर घर में होनी चाहिए एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. प्लीज शेयर इट विद एवरी वन बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर. सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो. आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड फॉर नाउ दिस इज आरजे जस्नूर साइनिंग आउट. बाय बाय.